फ्रेंड्स, आपने बादशाही या मक्खन पेड़ा बहुत बार खाया होगा, पर सूजी का इतना टेस्टी मक्खन पेड़ा कभी आपने ना तो बनाया होगा ना खाया होगा। एकदम रस भरा हुआ है, इसका स्वाद रसगुल्ले जैसा है। आप देख रहे हैं, पूरी तरह से रस हमारे बादशाही ने पी लिया है। और ये बादशाही मैदे की ना बनकर इसे मैंने सूजी से बनाया है। सूजी से बनाने के लिए पहले आपको सूजी को अच्छे से ग्राइंड करना होगा बारीक, जिससे इसके हम डो बना सकें। और डो एकदम जब परफेक्ट बनकर तैयार होता है, तब इतनी जूसी बादुशाही बनकर तैयार होती है। देखिए, हमने पहले इसे डिप किया था सिरप में, तो 3 से 4 घंटे इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये पूरी तरह से रस के अंदर डूब गई और काफ़ी रस को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इसे रस से निकाल लिया बाहर। उसके बाद आप पिस्ते और बादाम अपने कट करके अपनी बादशाही को सजा सकते हैं। इसे पकाते समय भी हमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारी टिप्स फॉलो करना है, जिससे ये रसीली गुलाब जामुन सी बादशाही बनकर तैयार होगी। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आज हम सूजी की बादशाही बनाते हैं। बनाते समय हम इसके बारे में आपको इंग्रेडिएंट्स तो बताते चलेंगे, साथ ही कुछ टिप्स बताएंगे कि किस तरह से इस तरह इतनी जूसी हमारी बादशाही बनकर तैयार हो। इसके आगे आपकी गुलाब जामुन भी फेल लगेगी। देखिए, जो हम तल रहे हैं, इसकी फ्लेम बहुत ही लो होनी चाहिए, क्योंकि लो फ्लेम में 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है, जिससे ये अंदर तक पूरी तरह से पक जाए और इसका कलर एकदम गोल्डन हो जाए। जलाना नहीं है, एकदम स्लो आंच में रेगुलर इसे स्टर किया है, ताकि इक्वल कलर इसमें आ सके। सूजी हमने देखे लिया है 1 कप। इसमें पिंच ऑफ हमने बेकिंग पाउडर डाला है, जो ऊपर से दिख रहा है, और 1/4 कप हमने मैदा लिया। हेल्दी बनाने के लिए हम मोयन इसमें यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल का, ताकि काफ़ी हेल्दी हमारा बन सके। जब हम मक्खन पेड़ा बनाते हैं मक्खन से, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट इतना नहीं होता, इसीलिए हम इसमें ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, ताकि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और रस को एब्जॉर्ब कर सकें। अगर आप सूखा वाला मक्खन पेड़ा बनाएंगे, चाशनी मतलब गाढ़ी करके, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, हमें हाथ से पूरी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें रेशन हो सके। और उसके बाद हम इसमें 1-1 चम्मच मिल्क डाल रहे हैं, बड़े चम्मच से देखिए, और इसे हल्के हाथों से हम ऐसे करते हुए मिक्स करेंगे। हमें इसे आटे की तरह गूंथना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए हम इसे गूंथेंगे, ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे। और अगर हमको जैसे लगे कि अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसे जब ज्वाइंट कर लेंगे तब देखेंगे। तो हमारा डो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, इसलिए हम इसके अंदर मिल्क धीमे धीमे डालेंगे, ताकि हमें पता चल सके। एक बार अगर हम डालेंगे तो ये मिल्क ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो देखिए, 3 चम्मच हमने डाल दिया और इसे मिक्स कर दिया। अब 4th चम्मच हमने डाला है, और ये आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सूजी फूलती है। देखिए, गूंथने के बाद सूजी ने सोख कर लिया मिक्स करते करते। अब 5वां चम्मच हमने इसमें डाला है, और इसे फिर इसी तरह से हम मिक्स कर दिए, और 1 चम्मच मैंने और पानी डाला। टोटल 6 चम्मच पानी और दूध मिलाकर लगा। फिर हम 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे, ताकि सूजी फूल सके, और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम पानी डाल सके, क्योंकि आटा हमें सॉफ्ट बनाना है। चीनी की चाशनी बनाने के लिए हम इसमें 600 ml पानी डालेंगे, और 600 ml चीनी डाल के हम बॉयल करेंगे। बॉयल करते समय आप थोड़ा सा दूध भी डाल दीजिए, ताकि इसकी गंदगी निकल सके। गंदगी निकाल लेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें इलायची डाल दे रहे हैं, 3 से 4। चाशनी हमारी चिपचिपी सी तैयार हो रही, गंदगी निकाल के हम हाफ
नींबू डालेंगे, यानी 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे ताकि हमारी चाशनी जमे ना। और आटा हमारा 10 मिनट हो गया है तो उसे हम निकाल लेंगे और काफ़ी खींचते जाएंगे, और खींचने के बाद बेल के फिर इसकी हम गोली बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, और हल्के हल्के हम पूरे मक्खन पेड़े अपने बना लेंगे। आपको इसमें दरारें दिख रही होंगी। एक तरफ तेल गरम कर लिया है, हल्का सा तेल गरम करने के बाद हम इसे चेक करेंगे, और तेल हमारा गरम हो चुका और हमने चेक कर लिया हमारा मक्खन पेड़ा भी नहीं फट रहा है, तो हम एक साथ 6 से 7 डालेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। एक स्पेस था तो हमने एक और डाल दिया। उसके बाद 3 मिनट बाद हम अपने पेड़े को पलटेंगे। 10 से 11 मिनट लग जाते हैं। चाशनी हमने चेक कर लिया, एक तार की चाशनी पूरी बनकर तैयार हो गई, यानी चिपचिपी सी जैसे शहद होती है। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, तब हमने अपने तले हुए मक्खन पेड़े को गरम गरम डाला। अगर चाशनी बहुत ठंडी हो तो उसे आप गरम कर लीजिए। और चाशनी ने देखे 3 से 4 घंटे बाद हमने इसको चेक किया तो हमारे 4 घंटे बाद हमने देखा कि मक्खन पेड़े ने काफ़ी अच्छे से चाशनी को सोख करके नीचे डूब गए हैं, और पहले ये ऊपर तैर रहे थे, फिर हमने काट के देखा रसीले काफ़ी होकर तैयार हो गए। अब इसे हम चाशनी से बाहर निकालेंगे और ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। अब सर्विंग के लिए हमारा मक्खन पेड़ा तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट है, इसके अंदर गुलाब जामुन सा देखिए रस भरा हुआ है पूरा तरह से, और एकदम हमने गल जाएगी। और ये सूजी की ये बादशाही की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। एक बार आप सूजी की इस तरह की बादशाही बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।